स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बिलासपुर में ITI स्टूडेंट ने लगाई फांसी, कमरे में फंदे पर लटकते मिला शव। मैसेज में लिखा, मम्मी पापा मेरे जाने के बाद मेरी कीमत समझेंगे। बिलासपुर में ITI के स्टूडेंट ने सोमवार दोपहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने अपने मोबाइल में मैसेज टाइप कर स्क्रीन शॉट लिया है। इसमें लिखा है कि मम्मी पापा आप लोग मेरी कीमत नहीं समझते, मेरे जाने के बाद आप लोगों को मेरी कीमत समझ में आएगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र की है। मूलतः जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ निवासी अंकित राय 21 वर्ष, पिता उमेंद्र राय सरकंडा के राजीव विहार में अपने मामा सीताराम के घर में रहता था। साथ में परिवार के सदस्य भी रहते थे। सोमवार को परिवार वाले अपने गृह ग्राम पामगढ़ गए थे। इस दौरान अंकित घर में अकेला था। दोपहर करीब 2 बजे उसका मामा सीताराम घर पहुंचा, तब अंकित की लाश कमरे में फंदे पर लटक रही थी। पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने बताया कि अरविंद 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद ITI की ट्रेनिंग कर रहा था। वो पिछले 1 साल से बिलासपुर में रहता था। उसके साथ उसके मम्मी पापा भी रहते थे। अरविंद अपने मामा के निर्माणाधीन मकान की देखरेख भी करता था। सोमवार को उसे घर में छोड़कर परिजन अपने गांव चले गए थे। सोमवार शाम सरकंडा पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया और युवक की तलाशी ली। इस दौरान उसके जेब से मोबाइल मिला। जांच में पता चला कि छात्र ने मोबाइल में मैसेज टाइप कर रखा था और स्क्रीन शॉट भी लिया था। उसमें लिखा था कि मम्मी पापा आप लोग को मेरी कीमत नहीं समझते, मेरे जाने के बाद आप लोगों को मेरी कीमत समझ में आएगी। TI हरीश तांडेकर का कहना है कि मैसेज देखकर लग रहा है कि छात्र की गतिविधियों से उसके परिवार वाले नाराज रहते थे, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया होगा।